हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पे चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों। 1983 में स्थापित कनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड हीरे जड़ित आभूषणों के निर्माण और निर्यात के व्यवसाय में लगी हुई है। अब इसके मुख्य बिंदु पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। उत्पाद प्रोफाइल, कंपनी सभी प्रकार के हीरे जड़ित आभूषणों जैसे अंगूठियां, हार, झुमके, कंगन, पेंडेंट आदि का कारोबार करती है। निर्यात, कंपनी मुख्य रूप से अपने उत्पादों को हांगकांग में निर्यात करती है। इसने 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी KIL इंटरनेशनल लिमिटेड की भी स्थापना की, जिसने 4 जुलाई 2011 से हीरे और आभूषणों का व्यापार करके परिचालन शुरू किया। एकाग्रता जोखिम, कनानी भौगोलिक रूप से और साथ ही ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के दृष्टिकोण से उच्च सांद्रता जोखिम के संपर्क में है। स्टैंड अलोन स्तर पर कनानी के शीर्ष 5 ग्राहक उसके कुल राजस्व का 100% हिस्सा है और कंपनी हांगकांग स्थित एकल आपूर्तिकर्ता से पॉलिश किए गए हीरे खरीदती है। राजस्व विभाजन, वित्त वर्ष 2011 में कंपनी ने हीरे जड़ित आभूषणों की बिक्री से 25% और व्यापारिक वस्तुओं से 75% राजस्व अर्जित किया है। हिस्सेदारी, कनानी के प्रमोटर ने 31/3/2022 को कंपनी के 725,762 इक्विटी शेयर बेचे। आगे, कंपनी के प्रमोटर 23/3/2022 से 31/3/2022 तक लगातार अपनी हिस्सेदारी बेच रहे थे। कनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका कि मार्केट कैप 94 करोड़ का है, करेंट प्राइस 9.50 रुपया, बुक वैल्यू 6.33 रुपया, इससे लगभग 1.5 गुना पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी 75.2 है, ROC 3.72%, ROE 3.56%। बावन बिक का हाई लो देखते हैं। प्राइस 13.80 रुपया हाई है और 5.43 रुपया लो है। डिविडेंड 0, यानी कि डिविडेंड पे नहीं कर रही है। फेस वैल्यू 1 रुपया। ROE 3 साल का अगर देखते हैं तो 1.46% है। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स 41.5% का। इसका इंटरप्राइजेज वैल्यू 117 करोड़ का है, काफ़ी अच्छा है। 1 साल का चार्ट देखते हैं तो कुछ दिन ये कंसोलिडेट करता है और फिर एक छोटा ही हाई बनाता है और फिर से नीचे आ करके कंसोलिडेट करने लगता है। तो अभी ये हाई पर है, हो सकता है ये डाउन हो। इसमें प्रोज कुछ भी नहीं है और कौन सी कौन सा है तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पीयर कंपैरिजन, 23 कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट जून 2023 का देखते हैं तो जैसा कि सेल्स 81.73 करोड़ का, एक्सपेंस 81.44 करोड़ का और अदर इनकम 37 लाख का है मात्र, इंटरेस्ट 29 लाख का और 1 लाख का डिप्रिसिएशन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 36 लाख का है, टैक्स 13.89% का पेड किया जिसके कारण नेट प्रॉफिट 32 लाख का और EPS 3 पैसा, उतना अच्छा नहीं फिर भी अच्छा है। लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं रिजल्ट, 257 करोड़ का सेल्स किया, 255 करोड़ का एक्सपेंस, 2 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 1 करोड़ का इंटरेस्ट, जिसके कारण प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 करोड़ का
और नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का, यानी कि EPS कितना तो 12 पैसा। अब थोड़ा इसके बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं। मार्च 2023 में शेयर कैपिटल 10 करोड़ का, रिजर्व 53 करोड़ का, ब्रोइंग 31 करोड़ का, अदर लाइबिलिटी 36 करोड़ का, टोटल लाइबिलिटी 131 करोड़ का, अदर एसेट 130 करोड़ का, टोटल एसेट 131 करोड़ का। पिछले साल की अपेक्षा 10 करोड़ की घटोत्तरी हुई है। कैश फ्लो प्लस में 3 करोड़ का मार्च 2023 फाइनेंशियल ईयर में नेट कैश फ्लो। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, बेस्ट तो नहीं लेकिन बेटर। प्रमोटर होल्डिंग 61.35% है और पब्लिक के पास में 38.64%। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर देखते हैं तो 26,018 आदमियों के पास में इसका शेयर है। इसमें एक न्यूज है जो कि 3 अक्टूबर का है, अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 LODR अवार्ड ऑफ ऑर्डर रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, न्यूज 3 अक्टूबर 2023 का ही है। इस न्यूज में खास यह है कि इसको इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है 200 मिलियन का। तो ये इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा है, जिसके वजह से इस कंपनी के शेयर में अप ट्रेंड बन सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।